चैनल एनीबडी कैन कुक। मेरा नाम प्रिया जायसवाल है। आज मैं आप लोगों के साथ रवा टोस्ट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट के साथ बन जाता है, जो अक्सर हमारे घरों में अवेलेबल होता है। आप इसे ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, अपने बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं या एज ए इवनिंग स्नैक्स भी खा सकते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम रवा का बैटर बनाकर रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 2/3 कप ऑफ रवा लिया है, जिसे हम सूजी भी बोलते हैं। अब मैं इसमें 1/2 कप दही डाल रही हूँ और 1/2 कप ऑफ वाटर। अब हम इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे। अब मैं यहाँ पे वेजिटेबल्स ऐड कर लेती हूँ। तो मैं 2 टेबलस्पून फाइनली चॉप ऑनियन डाल रही हूँ, 2 टेबलस्पून कैप्सिकम जिसे मैंने फाइनली चॉप कर दिया है, 2 टेबलस्पून ग्रेटेड कैरेट। वेजिटेबल्स डालने से ये बहुत कलरफुल दिखता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। एंड 1 टेबलस्पून स्वीट कॉर्न, ये फ्रोजन स्वीट कॉर्न है, और अगर आपके पास स्वीट कॉर्न ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून फाइनली चॉप टमाटोज, 1 टेबलस्पून फाइनली चॉप कोरिएंडर लीव्स, फाइनली चॉप ग्रीन चिली। हम इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सॉल्ट एज पर टेस्ट एंड 1/4 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर। बैटर मुझे थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ। तो ये देखिए, बैटर हमारा रेडी है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट तक रेस्ट होने देंगे, ताकि सूजी थोड़ी सी फूल जाएगी। तो अब मैं इसे ढक देती हूँ। तो बैटर को रेस्ट करते हुए 15 मिनट्स हो गए हैं। देखिए, ये सूजी हमारी अच्छे से फूल गई है। अब हम चलिए इसे ब्रेड में स्प्रेड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ब्राउन ब्रेड का यूज़ किया है, आप अपने पसंद का कोई भी ब्रेड ले सकते हैं। फिर मैं इसमें ये सूजी स्प्रेड कर रही हूँ, सूजी का बैटर। मैंने तवा को भी गैस पर रख दिया है गर्म होने के लिए। तो बस देखिए, इसी तरह से मैं बाकी के सारे ब्रेड्स पे स्प्रेड कर दूंगी ये बैटर। तो यहाँ पे मैंने 2 ब्रेड बनाकर रेडी कर लिए हैं। चलिए अब हम इसे टोस्ट करते हैं। तो ये तवा गर्म हो गया है, अब मैं इसमें थोड़ा सा बटर डाल रही हूँ। आप चाहे तो घी का भी यूज कर सकते हैं। फिर हम इसे थोड़ा स्प्रेड कर देंगे। तो अब हम ये टोस्ट डाल देंगे। तो ये जो सूजी वाला साइड है, ये हम नीचे रखेंगे। और इसे हमें लो फ्लेम पे ही पकाना है, ताकि सूजी अंदर से अच्छे से पक जाए। तो इसे पकते हुए 3-4 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसके ऊपर हल्का बटर लगा दूंगी। और थोड़ा सा मैं ये व्हाइट तिल डाल रही हूँ। और अब इसे फ्लिप कर देंगे। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ मोज़रेला चीज़ है, मैं ये डाल देती हूँ। और अगर आपको चीज़ नहीं खाना है, तो आप इस तरह से पनीर को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। तो अब मैं इसे ढक देती हूँ और इसे स्लो आंच में पकाना है एकदम, ताकि ब्रेड अच्छे से क्रिस्प हो जाए। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ और इसे फिर से ढक देते हैं। तो इसे पकते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं। ये देखिए, चीज भी कितने अच्छे से मेल्ट हो गया है और ये हमारा ब्रेड भी क्रिस्प हो गया है अच्छे से। तो अब मैं इसे निकाल देती हूँ। और तो ये हमारा रेडी है। अब मैं इसे इस तरह से कट कर ले रही हूँ। देखिए ये कितना सुंदर दिख रहा है। तो आप इसे जरूर बनाइए और अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। अगर आपको मेरी ये रवा टोस्ट की रेसिपी अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।